Hi, I'm Kushal Tandon, and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more information from Barsatein. Ladki, chup-chap ye parcel mujhe de de, warna goli maar dunga. Kaun hai tum? Aur kyun chahiye tumhe ye parcel? Chup! Sawal jawab mat kar. Main parcel bhi lunga aur goli bhi marunga. Reyansh! Jana hoshiyar ban rahi hai na? Maar dunga. Chalo, peeche chalo. Main de rahi hu parcel. Main de rahi hu. De rahi hu. पीछे पीछे रहना ठीक हो तुम ठीक हो तुम्हें पता है जिस जय पे तुमने भरोसा किया था ना वो उस मेडिसिन स्कैम में इन्वॉल्व्ड है वो इलीगल काम कर रहा है पैसे कमाने का उसने ये रास्ता चुना है ये पार्सल उसके घर पे था जो यहां लेकर आया मुझ पे तो ट्रस्ट है नहीं राइट तो एक काम करो ये पासवर्ड और खोलो खोलो ट्रस्ट हो जाएगा वो आदमी तो भाग गया नहीं तो उसका पासवर्ड भी देख लेती आराधना आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जय कितना गिरा हुआ है जिसकी तुम इतनी जय जयकार करती हो ट्रस्ट करती है ना वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता खोलो ओपन ये मेडिसिन बॉटल्स हैं, ये बैंगल्स हैं रियांश, ये है इसमें। तुम्हें तो बस जय को ब्लेम करने के बहाने चाहिए। ट्रस्ट मी, जो आदमी अभी यहाँ से भागा है ना, उसे जो बॉक्स जय ने दिया है ना, उसमें बॉटल्स थी। आराधना मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस रियांश, बस। जय को मेरी लाइफ से हटाने के लिए और कितनी कहानियां बनाओगे रियांश? सब कुछ करके देख लिया ना तुमने तुम इतना गिर गए हो कि जय को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रहे हो ऐसे कुछ ड्रग्स के केस में फंसा रहे हो उसे आई कांट बिलीव दिस रियांश और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जय को गुनहगार साबित करना चाहते हो कितना गिर गए हो रियांश जय को गिराते गिराते तुम खुद कितना नीचे गिर गए हो ये कैसे हो गया मैंने उस दूसरे पार्सल में ड्रग्स फाइल्स देखे थे अरे नहीं नहीं आराधना आप ये लीजिए आप ठीक है हाँ ठीक हूँ मैं ये पार्सल दे देती हूँ मैं दे आती हूँ नहीं तो जय निकल जाए अरे रहने दो आराधना बॉक्स तुम ही दे आना बट अरे देखो ना तुम्हारे कपड़े इतने खराब हो गए हैं तुम कल रात से हॉस्पिटल में थी ना तुम ही दे ना बट चेंज करके आ जाओ ठीक है गलती से भी आराधना को इन बैंड वाइल्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए
I hope जय बहुत आगे निकल गया हो। बस रियांश, बहुत हो गया। Enough। तुम्हें जितना करना था ना तुमने कर लिया रियांश। अब for God's sake, please मेरी फैमिली से दूर रहो। आराधना मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलराइट? और ना ही मैं तुम्हें पाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। आराधना मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। आराधना ट्रस्ट तुम्हें मुझ पर करना ही होगा। नहीं कर रही हो ना? फाइन, नो प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। चलो होटल नाइट किंग चलो मेरे साथ, और खुद चेक कर लो कि जय कल रात वहीं पर था। एंड आई एम श्योर अब भी वो वहीं होगा। कम ऑन रियांश, फिर एक नई कहानी। आराधना चलो तो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये कहानी मान लूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी? चलना पड़ेगा आराधना, आज मैं सच सामने ला के ही रहूंगा। लेट्स गो। रियांश, सॉरी आराधना, तुम्हें सच पता चल गया। तुम यही देखने आई थी ना कि मैं बानी के साथ हूं इस रूम में, है ना? देख लिया, गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्यों किया तुमने ऐसा जय? और प्लीज सच कहना, अपने पहले प्यार को कौन ही भूलता है आराधना, है ना? तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानेगा? वैसे भी हर किसी को अपना सच्चा प्यार नहीं मिलता, सिर्फ कुछ नसीब वाले होते हैं जिनको मिल जाता है। अब वो चाहे शादी के पहले हों, शादी के बाद हों, सच्चा प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, एनी टाइम एनीवेयर। और तुमसे अच्छा इस बात को कौन समझेगा? सो आराधना, रोज उलझने के बजाय, रोज लड़ने झगड़ने की जगह, एक साथ रुकने के बजाय अगर हम अपने सच्चे प्यार के साथ आगे बढ़ जाएं, वही बेहतर नहीं रहेगा? इतना आसान नहीं है जय, कहने में तुम्हें एक पल नहीं लगा, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जय, मैंने तुमसे शादी की तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी जाए, एक पत्नी का, एक बहू का, जो भी फर्ज था, जो मैं कर सकती थी, जितना मुझसे हुआ मैंने किया जाए। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। जानता हूं मैं आराधना, I'm really sorry। तुम्हारे सॉरी ने सब खत्म कर दिया जाए। कितना विश्वास था मुझे तुम पे, और हमारी शादी की तो बुनियाद ही विश्वास थी, पर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरा विश्वास तोड़ दोगे जाए। जाए, मैंने जिंदगी में रिश्ते बनाए नहीं, रिश्ते कमाए। उन रिश्तों को अपना सब कुछ दिया। क्या मैं यही डिजर्व करती थी जाए? आराधना, तो मैं और क्या करता? तुमने मुझे डोमैट बना के रखा हुआ था, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे पास भी तो फीलिंग्स हैं। मुझे हर्ट नहीं होता क्या?
शायद हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा आराधना। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे अब वो करना चाहिए जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब तुमने मुझसे शादी करने को कहा था। मुझे ना कह देना चाहिए था। अगर मैं उसी वक्त ना कह देता ना, तो ये नौबत आती ही नहीं। I'm really sorry. I'm sorry too, Jay. Aradhna. सॉरी आराधना, तुम्हें सच पता चल गया। तुम यही देखने आई थी ना कि मैं बानी के साथ हूं इस रूम में, है ना? देख लिया आराधना? रो रही हो? अब किसके लिए रो रही हो? उस आदमी के लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, जिससे तुमने कभी प्यार ही नहीं किया। तो फिर उस आदमी की हरकत देख के इतना बड़ा झटका क्यों लग रहा है तुम्हें? देखो आराधना, दिल तो तुम्हारा भी जानता कि वो कैसा है, तो फिर क्यों दिल को बार बार तोड़ना? हाँ आराधना, वो डिजर्व नहीं करता तुम्हारे ये आंसू। उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम दोनों की शादी सिर्फ एक ईगो ट्रिप थी, मुझे हराने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। आराधना, झूठ की दुनिया से बाहर आओ और सच को एक्सेप्ट करो। वो ऐसा ही हो तुम्हारे लायक नहीं। आराधना, कहाँ तुम जो उस पर इतना विश्वास करती है, और कहां वो जो बानी के साथ एंजॉय कर रहा है? आराधना, तुम्हारे पीठ पीछे उसकी एक अपनी दुनिया है, अपनी कहानियां है, अपने लोग हैं। आराधना, इस दुनिया से बाहर निकलो, सच को देखो, सच तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तुम मुझे अपना दोस्त मानते थे ना, फिर भी मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम मुझे मानते थे ना दोस्त, यह मुझे ये भी नहीं पता। मैं अपना टूटा हुआ दिल भूल गई, सब पीछे छोड़ दिया, तुम्हारे साथ शादी करके इन दोस्ती का रिश्ता एक्सेप्ट किया। और तुमने मुझसे अपना पानी का रिश्ता छुपाया क्यों जाए? जाए? शायद मेरी दोस्ती का रिश्ता तुमने पूरी तरह से कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। सॉरी जय, मैंने तुम्हें लेट डाउन किया। तुमने जैसे सोचा होगा, जैसे चाहा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे जय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं जय हूं? कितनी बार कहूं कि वो आदमी तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। अरे रो तो उसके लिए रो जो तुम्हारे लिए रोता है। उसके लिए क्यों, जिसे तुम्हारे रोने हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सही कहा तुमने। ये जो फर्क पड़ा है ना रेयांश, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी शादी में ये जो भी कुछ हुआ है ना रेयांश, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। जय और मेरा रिश्ता इस हाल में ना रेयांश, उसकी वजह तुम हो। वेक अप आराधना, वेक अप, होश में आओ। तुम जय के लिए जैसे सोचती हो ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। उसने सिर्फ शादी में धोखा नहीं दिया आराधना, वो एक खूनी भी है। वो एक चलता फिरता धोखा है, देश का गद्दार, ड्रग्स बेचता है। और हाँ, तुम्हारी मॉम का भी एक्सीडेंट ना उसी ने करवाया। तुम पागल हो गए हो क्या रेयांश? शट अप, जस्ट शट अप रेयांश। अब और कुछ नहीं सुनूंगी मैं रेयांश। और मुझे जय पे विश्वास है, उसने ये सब नहीं किया है। ठीक है, तो तुम्हारा ये विश्वास मैं तोड़ूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें मैं जय की और असलियत दिखाऊंगा।
बस रियाज, बस, I'm done with this drama. तुम खुश हो जाओ रियांश, मेरी शादी का डी एंड होने वाला है, मेरी शादी टूटने वाली है रियांश, तो जाओ, जाओ जाके सेलिब्रेट करो. अब जय पे इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें और कोई वजह क्यों चाहिए? शादी तो टूट रही है ना रियांश, अब और क्या साबित करना चाहते हो तुम? रियांश जो कुछ भी देखना था मैंने देख लिया, अब और क्या दिखाना चाहते हो? Just go Reyansh, please go away Reyansh, please leave me alone Reyansh, please please Reyansh. Aradhna, Aradhna wait. चलो तुमसे अंदर चल के कुछ बात करें. क्या बात करनी है जय? क्या बचा है बात करने के लिए? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जय. Aradhna मेरी बात समझ. Please जय. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज. Aradhna मेरी बात को समझने की कोशिश करो. नहीं जय, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी. Aradhna मेरी बात तो सुनो, कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? How dare you, Jay Khurana? Aradhna को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच से चला जाऊंगा, Aradhna तेरी हो जाएगी. रहना फिर अपने प्यार के मौसम में, ना तो रहना बरसातों में. Jay Khurana, अपनी पत्नी को इतना गिराओ समझता है तू? और साथ साथ मुझे भी ना. ये मुझे इस तरह इस हालत में मुझे पाना चाहती है, ना मैं इसको. जो कंडीशन है ना आज, जो तेरी शादी का जनाजा उठ रहा है ना, ये तेरी वजह से हुआ है. तूने अपनी शादी की बैंड बजाई है, तू निकम्मा है, तूने अपनी शादी की वाट लगा दी है और ब्लेम मुझे डाल रहा है. यू चीटर, तूने झूठ बोला है, तूने इसका दिल तोड़ा है. अबे यही तो कॉमन है हम दोनों के बीच में, तूने भी इसका दिल तोड़ा, मैंने भी तोड़ा. सच तो ये है कि हम दोनों ही इसके लायक नहीं. अबे तू इसके लायक नहीं है. Stop it! Stop it guys! क्या पागल बने ये? इनका हर बार का तमाशा है, डेली डेली नाटक करते रहते. और Aradhna की तो शादी हो गई, फिर भी सब लोग देख रहे हैं, पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है. अंदर चल के बात करें. तुम्हें अभी भी इससे बात करनी है? वो पति है मेरा रियाज. चलो जी. अरे चलो भाई, बहुत हुआ तमाशा, चलो 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 चलो. हाँ भाई, चलते हैं यहाँ से. रोज का तमाशा है इन लोगों का. मिस्टर रियांश, भक्ति जी का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उस कार का पता चल गया है. वो एक वाइट कार है. ये कार जिसके नाम पे है वो है मिस्टर जय खुराना. थैंक यू. यस डूड, आई एम 100% श्योर. जिसने भी एक्सीडेंट किया है सोच समझ के और जानबूझ के ब्लाइंड स्पेस पे एक्सीडेंट किया है जहां कोई कैमरा नहीं था. पर हाँ, पास के एक अपार्टमेंट के कैमरे से सीसीटीवी फुटेज मिला है. शायद आपको समझ में आए, ये कार रजिस्ट्रेशन नंबर. ये कार जय खुराना के नाम पे है. वन मोर थिंग, ये हैंड वॉच. एक्सक्यूज मी, आता मैं. ये ब्लेजर, वो कुछ नहीं, बस थोड़ी मिट्टी लग गई थी तो धो दी. वैसे भी पूरी खराब हो गई, मैं फेंक देता हूँ. जय, कल रात उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं आ रहा. जो गई सो गई. चलो
भक्ति मम्मा को भी तो घर लेके आना है ना। तुम चल रहे हो? नहीं, मुझे लगा शायद तुम ना जाना। इतना नकारा जमाई भी नहीं हूं मैं। जय रो, आई कांट बिलीव ये जय हो सकता है। मेरा मतलब जय ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। दोस्त है यार वो अपना। दोस्त नहीं है, हम दुश्मन है। दारू पी के हैवान बन गया। यू नो व्हाट, पानी के साथ एक कमरे में था। कैन यू बिलीव दैट? आराधना को बहुत झूठे वादे करता था ना प्यार व्यार के। मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठोके बाज साला, मैं तेरी सच्चाई सामने लेकर आऊंगा जय खुराना, ठोके बाज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.